एक्सक्यूज मी साइड प्लीज एवरीबॉडी साइड प्लीज। क्या कर रहा है? माहौल बना रहा हूँ। माहौल नहीं, भौकाल कर रहा है। लगना चाहिए कोई आया है। बाजू में जाइए प्लीज। ठीक है, कूल। ऐसा नहीं। थैंक यू। ये माइक है। हेलो अंकल। सांस रोक लेता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। हेलो हेलो। लहरी बार बार तुझे पूछ रही है, कहाँ है तू? मेरे बिना फंक्शन हो सकता है? अर्जेंट वर्क है, नहीं आ सकती। उसका बॉयफ्रेंड सूट बूट पहन के आया है, कहीं से उधार मांग के लाया होगा। फोन रखो। कम पापा। हाँ। ये विजय है। नमस्ते। वो मम्मी है, वो दीदी। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। खड़े हो जाओ। कोट को सीधा कर। क्या कर रहा है बे? जब कोट पहनना आता ही नहीं है तो रेंट पर लेते ही क्यों? कोट को कड़क होना चाहिए, कम से कम स्त्री तो करना चाहिए ना। औकात नहीं है तो पहनते ही क्यों? चलते जी। बहुत बढ़िया। सलाम वालेकुम। अरे कम ऑन मैन, हट गया। हे माइक। अरे 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 अरे, अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने। इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या? 1000 का सूट मैंने 800 रुपए किराए पर दिया। कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना, वरना मैं आऊंगा। और मैं आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शादी मुबारक हो। ओए माइक, आज तक आए? अरे रुक। ओए क्या बोला था तूने कि शादी में सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे होंगे? तूने बिल्कुल सही कहा था। पता नहीं क्यों मैंने तेरी बात सुनी, मेरी भी मत मारी गई थी। मुझे क्या पता था कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में पिकनिक मनाते मनाते यहीं पर बस जाएंगी। वैसे इतना भी बुरा नहीं हुआ क्लासमेट। बुरा नहीं, अनर्थ हुआ। चल। तुमने खुद उस लड़के को चुना था, उसका नतीजा देख लिया। तुम्हारे लिए अब लड़का हम ढूंढेंगे। बिना उससे मिले ही मैं समझ गई थी कि वो तेरी जिंदगी से खेल रहा है। क्या जरूरत थी उस पर टीचर को इनवाइट करने की? शादी में दूल्हा दुल्हन के कपड़ों से ज्यादा उसके कोट की बातें हो रही थी। क्या काम करता है वो? वो किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। कहां पर, कौन सा प्रोजेक्ट? मुझे नहीं पता। तेरा ये जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में तुझे ये तक नहीं पता कि वो क्या काम करता है? पूछ लेती हूँ उससे। तुम्हारी ही तरह बिना किसी की परवाह किए एक लड़की किसी से बेइंतहा प्यार करने लग जाती है, वो सारी दुनिया भुलाकर उसके साथ जीने मरने का वादा कर लेती है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों काफी खुश थे, सब ठीक था। फिर 2 साल बाद उनके घर एक बेटी हुई, खुशियां दुगनी हो गई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उस लड़की को ये पता चलता है कि जिस पर उसे यकीन था वो धोखेबाज है। कहता था बिजनेसमैन है, पर असल में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो उससे झूठ बोल रहा था। सवाल पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनके बीच झगड़ा हो गया। उनके झगड़े बढ़ते गए और साथ में दूरियां भी इतनी कि वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं है और इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है, जो सिर्फ 12 साल की थी, जिसे उनकी जरूरत थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका नाम श्वेता था। 7A रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी। वो अपनी माँ के साथ कहीं और चली गई। किसी और की गलती, सजा किसी और को मिली।
तुम वाकई बहुत भोली हो लहरी, बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो और वो तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठा रहा है। आई एम श्योर इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। मुझे गलत मत समझना लहरी, बाद में तकलीफ झेलने से अच्छा है कि समय रहते अभी से संभल जाओ। बेहतर होगा उससे रिश्ता तोड़ लो। मैंने तो कहा था गाड़ी में मत जाओ बैंकॉक। रास्ते में 5 बार टायर पंचर हो चुका है। उनकी गाड़ी की स्टेपनी का फोन आया था। भाई इन्हें समझाओ, हम थक गई हैं। हमेशा थोड़ी रहेगा। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ काम है? हाँ सर जी, 4:30 तक पहुंच जाऊंगा सर। विजय, स्मॉल चेंज है, बॉस शाम को बाहर जाने वाले हैं तो 11 बजे मिल सकते हो हमें? सर जी 10 मिनट बचे हैं। क्यों, तुम नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकता हूँ सर। मेरे बेटे ने कल ही ये फोन खरीदा है। पैसे थोड़ा महंगा है, लेकिन जब बेटा सक्सेसफुल हो तो ये मामूली बात है। अगर विजय को सक्सेसफुल बनाना है तो उस पर जरा जोर डाला करो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स बाबू जी, फुल जोर डाल दिया ना। मैंने आपको विजय के बारे में बताया था ना, ये विजय है ना। हेलो सर जी। हेलो। उस दिन प्रेजेंटेशन आधे में ही रह गई थी तो आज। रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है, इट्स ऑलराइट। सर जी, मेरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके। विजय, 1 सेकंड। हमने तुम्हें आज यहाँ स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बुलाया है। हमारे बॉस ने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुम फेल हो गए, इसलिए तुम एक काम करो, इसके पेटेंट राइट्स के साथ अपना प्रोजेक्ट तुम हमें दे दो। अगर आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो हम थोड़ा प्रॉफिट तुम्हें भी दे देंगे। तुम रेडी हो तो सर से बात कर सकते हैं। सर, मैं ये कह रहा था कि ये क्या है भरत, ये भीख में कपड़े मांगकर टहलने आया क्या? ये तुम्हें टूरिस्ट ऑफिस लग रहा है? हाँ? ओए भिखारी वो होता है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, जैसे कि तू, दूसरों के आइडिया चुराने वाले चोर। ए, ज़बान संभाल के बात कर। ओए तुझसे तो बात ही नहीं करनी है, बात तो दुनिया करेगी मेरे ऐप के बारे में, तब तू ज़बान संभाल के बात करेगा। इस फ्रॉड से मिलवाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की। ए, तुझे अंदाजा नहीं तू किससे बात कर रहा है? मुझे ये अकड़ मत दिखाना, तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। आइंदा जो भी बात होगी पहले फोन पे बता देना, फालतू लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो जी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। नहीं अभी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। यहां रहकर मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं शहर से दूर जा रही हूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें एक और मौका देकर खुद को एक बार फिर से सबके सामने गलत साबित कर दूं। तुमने कहा था तुम प्रोजेक्ट पे काम करते हो, लेकिन तुम्हें टीवी रिपेयरिंग के शॉप पर देखकर मैं समझ गई कि तुमने झूठ कहा था। मैं नहीं चाहती तुम मुझे फिर से मनाओ और मैं फिर से तुम्हें मौका दूं ताकि तुम एक और झूठ बोल सको। नहीं चाहती हूं कि हमारी शादी हो जाए और फिर मैं पूरी जिंदगी पछताती रहूं कि मैंने कितना गलत फैसला लिया है। उसके बाद सारी जिंदगी हम बस इस झूठे और बेमतलब प्यार को सबके सामने सच साबित करने के लिए एडजस्ट करते रहे। तो
सब खत्म करते हैं। Let's make this relationship healthy. तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। तुम्हें और भी कुछ बोलना है या अभी भी कुछ बाकी है? हेल्दी रिलेशनशिप, रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए किसी जिम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए भरोसा ही काफी है। बिना भरोसे के प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। पापा जी बोलते रहे शराब छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ पाया। उस दिन तुमने गुस्से में बस एक बार कहा तो मैंने उसी दिन उसी पल से शराब छोड़ दी। प्यार एक तरह का स्टिकर है जो चिपक तो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे निकालने की कोशिश करो तो वो उस जगह से निकल तो जाता है पर फिर कहीं नहीं चिपकता, निशान छोड़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन तुमने सर्विस सेंटर में सबके सामने मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे इस बारे में पूछा होता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना इस बात का लग रहा है कि तुमने बिना मुझसे पूछे एक तरफा फैसला ले लिया बिना सच जाने। ये जॉब बस खर्चा निकालने के लिए कर रहा हूँ, पर मेरा सपना वो ऐप है जो लोगों की जान बचाएगा और ये मैं साबित कर सकता हूँ। पर बात सिर्फ कमाई की नहीं है, क्योंकि बाद में तुम मेरी बाइक को मुद्दा बनाओगी, बोलोगी शादी के बाद हम बच्चों के साथ इस पे कैसे बैठेंगे। फिर मैं पड़ोस से दो बच्चे लाके अपने और तुम्हारी गोद में बिठाऊंगा और आराम से पूरा शहर घुमाऊंगा। मैं खुद को हर बार साबित कर सकता हूँ पर करूंगा नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ। काम काज के सिलसिले से इम्तिहान तो देने ही पड़ते हैं। सोचा था शायद प्यार में तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, पर यहाँ भी वही हाल है, हर बात में सौदेबाजी। सच्चा प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर तुम लड़कियों को प्यार साबित करने के लिए ताजमहल भी बना दे और तुम्हारा मूड मुंह फुलाने का हो तो कहोगी कि तुमने क्या किया, ये तो मजदूरों ने बनाया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। जिस तरह लड़कियों को डर होता है कि वो जिंदगी भर घर गृहस्थी कैसे चलाएंगी, उसी तरह लड़कों को भी डर रहता है कि वो अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाते रहेंगे। मजलूम बनना आसान है पर साथ निभाने की हिम्मत रखना मुश्किल है। मैं जा रही हूँ। मेरे दिल से तो कब से जा चुकी हूँ।